और खुद को बचाने के लिए फैसला कर लेता है कि वो इमली के मौत के हाथ उठा देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जाती है जो कहीं न कहीं अब लड़ाई सामने सामने हो जाती है सौर्य और अगस्त्य की दादी की, और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं जो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये घर वालों से होती है। अभी लोग बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर इमली कहाँ पे है। ये सौर्य को भी फोन कर रहे होते हैं क्योंकि इनको पता चला होता है कि सौर्य ने ही उसको अरेस्ट किया है। लेकिन मुश्किलें तो तब बढ़ती है जब सौर्य इमली को लेकर के कालकोठे में चला जाता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उसको बंधक बना लेता है। उसको लगता है कि उसका दुख इमली से बहुत बड़ा है और आज जो उसकी मॉम ने उसके साथ में किया ये सच में बहुत बुरा हुआ। वो सोचता है कि अगर वो इमली को मार देगा तो सच सब कुछ ठीक हो सकता है। कहीं ना कहीं इमली के कारण ही उसके जीवन, उसके करियर और उसके प्रेम इन सभी चीजों पे खतरा मंडरा रहा है। अगर इमली ना रही तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो ये बार बार ये बोल रही होती है कि नहीं रघु जिंदा है तो ये इसकी बातों को भरोसा नहीं करता है। इमली भागने की भी प्लानिंग बनाती है, कई बार वो कोशिश भी करती लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। लेकिन अब जब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो पूरा तोड़फोड़ ये करने लगता है और एक बार को ये फोन उठा करके बात भी करा देता है। घर वाले तो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेते हैं कि इमली हमें माफ कर देना, हम समझ नहीं पाए कि तुम हमसे प्रेम करते थी और हम सिर्फ तुमसे नफरत करते थे। इमली तुम प्लीज वापस लौट आओ। लेकिन अब जब वापस आने की बात होने लगती है तो ये फोन काट देता है। इसको लगता है कि नहीं इमली यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जाएगी, मैं जान ही नहीं दूंगा। और उसके ऐसे रवैये से अगस्त्य की दादी को शक हो जाता है कि सौर्य जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत काम करने वाला है। वो क्या करती है कि इमली के दोस्तों को बुला लेती है और बोलती है कि तुम लोग पूरे गाँव को छान मारो और इमली को निकालो खोज करके, अब हम लोग भी चैन से बैठने वाले नहीं है। इनको भी तो पता चल चुका था ना कि सौर्य का मोटिव क्या है, वो क्या करना चाहता है और इमली को वो क्यों मारना चाहता है। अब ये लोग भी पूरा छानबीन करने लगते हैं। इधर में इमली समझ जाती है कि अब ऐसे तो निकलने वाली है नहीं और कुछ टाइम इसका एग्जाम है तो ये सौर्य को मैनिपुलेट करती है और दुख दर्द कहानी सुना करके कि कभी कभी तो लगता है कि वो उसके रूम में शामिल है लेकिन कभी कभी तो वो उसका जरा सा भी नहीं। अब ऐसा बोल के ना वो चाहती है कि उसके दिल में थोड़ा सा भी उसके लिए ममता उभरे और ये इसको खुला छोड़ दे क्योंकि ये इसको बंधक बना लिया होता है, पूरा तोड़फोड़ कर चुका होता ऑलरेडी। तो ये चाहती है ना कि बस मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ से जाने दे ताकि मैं अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाऊँ और मैं वापस इसके पास में चली आऊंगी। लेकिन वो ही तो ऐसा नहीं चाहता और वो बोलता है कि तुम्हें मैं सबसे ज्यादा दर्द दूंगा इमली, और बस तुम्हारी खेल खत्म होना स्टार्ट होता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, आपको ना बट एपिसोड में प्लॉट बस इतना ही होता है, बट पोस्टक्रेडिट जो होता है उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि एग्जाम में चीटिंग का जो आरोप इमली पे लगकर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है कि अब वो कभी एग्जाम नहीं दे पाएगी, और इसके पीछे जो सौर्य का हाथ होता है तो ये समझ में आ जाता है कि इमली को कैसे ना कैसे ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करना चाहता है ताकि इमली खुद ब खुद ही टूट जाए और वो खुद ही सुसाइड कर ले ताकि ऐसे केस भी ना बने और उसके जॉब पे भी कोई खतरा ना हो। और अब ये सब उसकी ही प्लानिंग होती है, इमली को अपनी जान देने के लिए रही होती है जो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे और मजेदार भी कि आने वाले प्लॉट्स में हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि ये लड़ाई तो अब स्टार्ट हुई है ना, अन्नपूर्णा वर्सेस सौर्य की। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसी को भी नहीं पता है, जो भी चीजें होंगी एक्स्ट्रा प्लॉट में ही जस्टिफाई कर पाएंगे कि आखिर क्या नई चीज देखने को मिलेंगे। वैसे देखते हैं लोग कि कब तक वो आ जाता है, बस इंतजार ही है, उम्मीद है कि वो जल्दी हमें हाईलाइट्स भी इसके देखने को मिल जाएंगे। तो यार मजा तो आएगा पूरा घूम मेला करके।